हमारा टॉपिक अभी जो शुरू है वो है न्यूमेरिकल ऑन ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ओम्स लॉ में ये था कि V इक्वल टू आई आर, मतलब वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओम्स क्या होता है, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसका यूनिट है वोल्ट, इसका यूनिट है एम्पियर, इसका यूनिट है ओम्स। ठीक है, ओके। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये हमारा होगा टाइप फाइव, जिसमें गिवन रहेगा एनी टू जो है वी आर और आर में का, फाइंड एनी वन। सिंपल कि तीन चीजें हैं तो ऑब्वियसली दो दी रहेगी, एक फाइंड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है, क्वेश्चन आता है फाइन करंट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हम लिखेंगे गिवन डाटा दैट इज आर इक्वल टू 5 ओम्स, वी इक्वल टू 10 वोल्ट टू फाइंड आर बाय ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, देयरफॉर आर इक्वल टू वी अपॉन आर। और ये जो वी अपॉन आर है, इसमें वी हमारे पास है 10, आर है 5, तो 10 बाय 5 कितना है 2। ठीक है, तो दिस इज अ फर्स्ट काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चन जो ओम्स लॉ पे आता है, राइट। अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस के बारे में, इसमें मैं अभी बहुत सारे टाइप एक्सप्लेन करा रहा हूँ कि ये चीज हम जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, उसमें ओम्स लॉ के अलावा हमारे पास कुछ यूज नहीं होगा, तो ये बार 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 यूज होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे ही रोकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल टाइप है जो आता है रेजिस्टिविटी के ऊपर। उसमें दो टाइप के न्यूमेरिकल जनरली आते हैं, एक में एरिया डायरेक्टली गिवन रहेगा, एक में एरिया फाइंड करना पड़ेगा। देखते हैं, जहां पे ये रेजिस्टेंस है इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारा है टाइप सिक्स, जिसमें गिवन रहेगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया में से एनी थ्री, और टू फाइंड रहेगा एनी वन जो नहीं दिया जाएगा। तो इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन की
नाइट नाइक्रोम वायर हैविंग रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻¹⁸ ओम मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.7 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर राइट. लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर. फाइंड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस फाइंड करना. अब ध्यान दीजिए, आंसर में सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा गिवन क्या क्या है. हमारे पास रेजिस्टिविटी है 1.7 × −8 ओम मीटर. हमारे पास है एरिया जो 1.7 × −3 मीटर स्क्वायर, और हमारे पास है लेंथ जो है 2 मीटर. तो टू फाइंड जो है वो है रेजिस्टेंस बाय फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस है. फॉर्मूला रखता हूं रेजिस्टेंस का, दैट इज आर इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए. जनरली आप देखेंगे कि आपको जो भी वैल्यूज दी रहेगी एरिया और रेजिस्टिविटी की वो कटने वाली रहेगी. ठीक है, तो आप इसमें पुट कर दो दैट इज 1.7 × −8 × 2 upon 1.7 × −3 − 10⁻³ − 3 − 8 कटेगा, 10⁻⁵ आएगा, 1.7 कट जाएगा. उसके बाद में जो हमको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2 × 10⁻⁵ ओम्स, जो है फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज 2 × 10⁻⁵ राइट. दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये तो हो गया एक सिंपल सवाल जहां पर आपको एरिया पहले से दिया था, रेजिस्टिविटी पहले से दी थी और बाकी सारी चीजें भी पहले से दी थी. अगर ऐसा हो कि ये दिया ना रहे तो फिर कैसा करना है, तो वो एक बार देखते हैं. वो क्वेश्चन जो है हमारा टाइप 7 की जब भी बात होगी वायर की, तो वायर एक सर्कुलर रहता है, इसलिए जब भी एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर ये इसका यूज करेंगे. अब ये क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहता है कि आपको यहां पे रेजिस्टेंस, लेंथ, रेडियस और रेजिस्टिविटी में से एनी 3 दिए रहेंगे, और टू फाइंड एनी 1. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या है, पहले एरिया दिया जा रहा था, अब एरिया की जगह पर क्या दिया जा रहा है, उसका रेडियस दिया जा रहा है, जिससे आप पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो अब मैं मान के चल रहा हूं एक क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं नाइक्रोम वायर का. वायर having radius of 0.7 centimeter. इसकी radius क्या है, 0.7
7 सेंटीमीटर और एंड रेजिस्टिविटी इज 2 × 10⁻¹⁸ × 10⁻¹⁸ ohms meter. बेटर वैल्यू लेना मेरे मन से क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश है कि आपको ये चीज बेहतर समझ जाए. ठीक, अब रेजिस्टिविटी होगी, रेडियस होगी, रेजिस्टिविटी होगी. अब हमको देना है लेंथ. लेंथ ऑफ वायर बी 2 मीटर लेंथ की दे दी और अब हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंस. ऐसे केस में तो हम देखते हैं हमारे पास गिवन डेटा क्या है. सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं कि गिवन डेटा हमारे पास क्या है कि हमारा जो रेडियस है वो 0.7 सेंटीमीटर था. सबसे पहला हम जो काम करते हैं फिजिक्स में वो ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करना. और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻²⁻ सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे 10⁻²⁻ मीटर में जो हो जाएगा 7 × 10⁻³ मीटर अगर मैं पॉइंट को कर देता हूँ. अब जब मेरे को रेडियस दिया है और मुझे एरिया की जरूरत है तो मैं पहले ही एरिया कैलकुलेट कर लूंगा. दैट इज पाई आर स्क्वायर 22/7 × 7 × 10⁻³⁻ 7 × 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 7 कट हो गया 22 × 7 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर. अब मैंने ये 22 क्यों रख दिया ये आपको आगे समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ 7 को मल्टीप्लाई में नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, अब जो लेंथ दी है वो 2 मीटर दी है और जो रेजिस्टिविटी दी है वो 22 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर दी है. ठीक है, अब मैं लगाता हूँ फॉर्मूला बिकॉज मेरे पास एरिया भी है, लेंथ भी है और रो भी है. तो बाय फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 22 × 10⁻¹⁸ × 2 अपॉन 22 × 7 × 10⁻¹⁶ राइट. तो अब ये 22 विल गेट कट 10⁻¹⁶ 10⁻¹⁰ गेट तो ये होगा 10⁻². अब 2/7 तो आंसर हमारा क्या आया 2/7 × 10⁻²⁻² 2/7 को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आएगा दैट इज 0.260 दैट इज 8 × 10⁻²⁻ दैट इज इक्वल टू 28 × 10⁻⁴ ओम. ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं. मैंने सिर्फ न्यूमेरिकली आर्बिट्ररी वैल्यू जो मेरे को लगा कि न्यूमेरिकल करने में सही रहेगा, आपको समझने में सही रहेगा, वो मैंने वैल्यू लिया. माइक्रो ओम का रेजिस्टेंस इतना रहता नहीं है, वो काफी ज्यादा रहता है इससे. तो ये आपको सिर्फ मैंने समझने के लिए दिया है. ठीक है, और ये इस टाइप से ये न्यूमेरिकल होता है. लास्ट में आपको एक लाइन में आंसर लिखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ओम वायर इज 28 × 10⁻⁴ ओम्स. तो ये है हमारा टाइप 7 ऑफ न्यूमेरिकल जो रेजिस्टिविटी में आता है. जनरली यही दो टाइप के आपको क्वेश्चन दिखेंगे, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं. ओके, तो थैंक यू वेरी मच. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल. थैंक यू.